इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत, 11वां पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें दी गई है कि हिंदुस्तान में फिल्म कब शुरू हुआ। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल भी रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सावक, सावक मतलब बोलती फिल्म। ये जो फिल्म हम लोग बोलते हैं उसको सावक पहले बोला जाता था, सावक। और उस फिल्म का नाम था आलम आरा। आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। और पहली बार हिंदुस्तान में कोई फिल्म रिलीज हुआ तो 14 मार्च 1931 को हुआ था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। बोलने वाला सिनेमा वो लोकप्रियता के शिखर पर, चोटी पर था, सबसे ऊंचा, और उसका नाम भी बहुत ज्यादा लिया जाता था। पहले शादी में ऑर्केस्ट्रा थोड़ी आता था, पहले शादी में हम लोग प्रोजेक्टर लगाते थे घर में। पूछना पहले कव्वाली गाया जाता था, ड्रामे नाटक करने वाले लोग आते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था और बहुत सारे भाषा में फिल्म चालू हुआ। भोजपुरी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटक, बंगाली और बहुत सारे, ओडिशाई भाषा में, संस्कृत में भी प्रकाशित हुआ था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर एम ईरानी। ये पहला डायरेक्टर थे, फिल्मकार पहला था ये। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड आया है, पहले हॉलीवुड चलता था जो इंटरनेशनल मार्केट में है। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्हें अपनी फिल्म के पट कथा बनाई, मतलब स्क्रिप्ट लिखी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, मतलब उसमें स्क्रिप्ट राइटर होते नहीं थे, इसलिए उनको ऐसे फैसला लेना पड़ता था जिसके अनुसार वो फिल्म का एक मार्गदर्शन कर सके। इसके अनुसार आज न लेखक हैं, पहले भी लेखक होते थे लेकिन वो फिल्म नहीं लिखते थे। पहले देखो ऐसे कैमरा और रील चलता था, इसे रील से फिल्म चलता था। उस समय गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुन चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार वही गीतकार बोलते हैं, में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, और उस समय गायक कौन बना था, WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। मैं इस गाना को आपको सुना सकता हूँ, सुनो। सुन लिए गाने, और ये गाना कहीं आपको नहीं समझ में आया तो इस गाने को आप जैसे सर्च करोगे तो आपको देखने को, आप YouTube पर सर्च करो आपको मिलेगा। आलम आरा के संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता
और डिस्क फॉर्म मतलब आज जो पेन ड्राइव चिप कार्ड मेमोरी कार्ड है उसमें वो रिकॉर्ड नहीं किया सकता, पहले रील होता था। फिल्म के शूटिंग शुरू हो तो फिल्म के शूटिंग जब शुरू हुआ तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, और रात में इसलिए क्योंकि फिल्म दिन में बहुत ज्यादा हल्ला हल्ला होता है, इसलिए रात में ही शूटिंग ज्यादा होता था। रात में शूटिंग शुरू हुआ। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था और दिन के प्रकाश में फिल्म शूटिंग हो जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, और इसी समय ये आलम आरा के फिल्म में ही लाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, और उसी समय से लाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल आज भी किया जाता है फिल्म प्रोड्यूसिंग में। आज भी जहाँ जहाँ फिल्म बनता है वहाँ पर शीशा और बहुत सारा लाइट ऐसा रहता है जो चमकने में मदद करता है। फिर आलम राजा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, मतलब बहुत सारा रोजगार भी दिया। आर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई, और 150 से ज्यादा फिल्में बनाई थी मुख में, और लगभग सावक फिल्में बनाने वाले बोलते फिल्म वो था 100। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स का तो नाम सुना ही है ना, जैसी फैंटेसी फिल्म थी। अरेबियन नाइट्स में जो फैंटेसी फिल्म बनती है वैसे ही थी। फिल्म ने हिंदी और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, और हिंदुस्तानी भाषा क्यों बोला जाता है, हिंदू और उर्दू को मेल को हिंदुस्तानी बोला जाता है, हिंदू और उर्दू को स्थानीय। उस समय हिंदू और उर्दू बहुत ज्यादा था, बहुत लोग उर्दू बोलते थे, बहुत लोग हिंदी बोलते थे, ऐसे दोनों भाषा मेल वाला ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोलने में कुछ अंतर ज्यादा नहीं है, कम कम है, लेकिन सबका अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग है। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोग थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल, मतलब ये महाराष्ट्र में शूटिंग किया गया था, मुंबई में शूटिंग हुआ था। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रम पाने वाले स्टार थे, बहुत मेहनत करने वाले स्टार थे उस समय के, क्योंकि उस समय इतना मेकअप आर्टिस्ट तो होता नहीं था, इतना सजाना सजाने वाला तो काम ही नहीं था, झंझट ही नहीं था। और जो एक बहुत सारा अनोखी कहानी है उसके बारे में बता देता हूँ। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मतलब नायक बनेगा, मगर इसी कमी के कारण कि उर्दू उनको बोलने नहीं आता था, उन्हें हटाकर उनके जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, अपनी हक की लड़ाई के लिए किसी से भी लड़ जाओ, डरो नहीं किसी से, लड़ जाओ हर किसी से। और उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हीं के कारण आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया, वही पाकिस्तान की मांग किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, मतलब दिखते रहे। इसके अलावा आलम राजा में कौन कौन कलाकार थे, अब उन कलाकार का नाम बता दो। सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मों उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने थे।
और शायद इन्हीं लोगों की वजह से शुभराम मोदी, इनका भी नाम बहुत ज्यादा था, पृथ्वीराज कपूर, ये भी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार थे पहले, उसके बाद से ये नायक भी थे और उसके बाद से ये प्रोड्यूसर भी बन गए, और ये सेठी जी, जगदीश सेठी। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, और मैं बोला था ना ये मुंबई में ही बना था, और मैजेस्टिक सिनेमा में ये पहली बार प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। हाउसफुल आज तो पता ही हाउसफुल होता क्या है, पूरा सिनेमा घर फुल होता था। हाउसफुल फिल्म चली, भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे और भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। कौन? वहां के जो समीक्षकों जो सब चीज पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने बोला यह भड़कीला फिल्म का उपाधि इनको दे दिया गया। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, पहली बार किसी को देख रहे हैं भाई पर्दे पे। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, रील में 10,000 फुट लंबी थी, और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सावक फिल्म समझो, 10,000 फुट लंबी थी वो, रील में ही फिल्म बनता था ना, और वो पर्दे पर दिखाया जाता था। और जो सावक फिल्म के कारण हमारे अंदर बदलाव हुआ, सावक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी जो समाज पे बना था। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। खुदा की शान, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सावक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा, और महात्मा गांधी का नाम लेते तो बस समझ लो कि अंग्रेजों की तो पुलिंदा खत्म हो जाती थी, आग बबूले हो जाते थे। और उस समय भी अवार्ड फंक्शन होता था। सावक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आरदेशियर इतने विनम्र थे, जब 1956 देश आजाद हो जाने के बाद 56 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सावक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, ज्यादा नहीं, मैं तो बस उतना ही योगदान दिया जितना मेरा योगदान हो सकता था देश की आजादी के लिए, देश का एक नया मार्गदर्शन करने के लिए। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था, जो बिना बोले चलता था, गूंगा फिल्म वैसा। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी, इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सावक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म जो थी, उसमें जो नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतों ने
औरतें अपने केस उसी तरह सजा रही थी जैसे उस अभिनेत्री ने सजाया था, सुलोचना ने सजाया था। अर्देशिर ईरानी के फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। और भारत के ये रामायण, रामानंद सागर का जो रामायण महा और कृष्णा बना, वो तो पूरे करीबन 25 से ज्यादा देशों में चला था। रामायण कर ले लो ना, रामायण 25 देशों में देखा गया है, भारतीय रामायण, रामानंद सागर रामायण पुराना वाला। भारतीय सिनेमा के जनक फलके को सावक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी के उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। और ये आलेख लिखने वाले हैं प्रदीप तिवारी। राइटर का नाम, लेखक का नाम क्या है? प्रदीप तिवारी। चलिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और अभ्यास आपको बता दूं पाठ से। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस समय उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। मैं खुद देखा नहीं हूं, कैसे स्पष्ट कर लो? ऐसे तर्क नहीं देना है, उसको डिटेल्स निकालो, गूगल से डिटेल्स निकालो और पूरा करो, ठीक है? मैं तो अभी दिखा सकता हूँ फिल्म को। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में बताना है। हॉलीवुड की फिल्म देखने से मिली। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिए, कोई रंगमंच था, उसके बारे में बताना है। विचार वाक्य कीजिए, विचार व्यक्त कीजिए, अपने विचार बताइए, ठीक है? तो ऐसे ही ये 3-4 क्वेश्चन है जिसको ही केवल बनाना है, पाठ से आगे कोई टेंशन नहीं है उसका लेने का, ठीक है? अनुमान का कल्पना, बस आप पढ़ो और अनुमान का इसका कल्पना करो, क्योंकि ये सब आप ही को करना है, करोगे नहीं तो सीखो कैसे? भाषा की बात। और ये है शब्दार्थ। सावक फिल्म मुख फिल्म के बाद बनने वाली फिल्म जिसमें आवाज आता हो। पट कथा फिल्मों के लिए लिखी जाने वाली कहानी, स्क्रिप्ट। संवाद, अब स्क्रिप्ट का हिंदी होता है पट कथा। संवाद फिल्म में की जाने वाली बातचीत। प्रसर्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिक फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार अभिनेता की भूमिका, चरित्र, खिताब, उपाधि, सम्मान, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले भाग में, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।